Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I'm Dr. Waseem Aifan, assistant professor Shri Shivaji Law College Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss section 9 of Indian Evidence Act 1872, which dealt with the concept of relevancy of fact. So section 9 इंडियन एविडेंस एक्ट का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 पे पूछे गए क्वेश्चन प्रीलिम एग्जामिनेशन में, उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर सेक्शन 9 पे पूछ सकता है विद एग्जांपल हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सब सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग यूर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलीवेंट फैक्ट, सेक्शन 9। सो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू आर रिलीवेंट फैक्ट। सो ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करते हैं या उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो रिलीवेंट हो गए सेक्शन 9 में। सो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू आर अ रिलीवेंट फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट ऐसे फैक्ट के जो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करते हैं किस सिनेरियो में फैक्ट इन इशू हुआ, वो फैक्ट क्या हो रहे हैं, दे दीज फैक्ट्स आर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट इन इशू एंड ऑल द फैक्ट्स बिकम्स रिलीवेंट। ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रिलीवेंट होंगे सेक्शन 9 में। सपोज फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया वो ए की विल है या नहीं है। अब क्या होगा कि द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी है ए की वो और हिज फैमिली और ए की फैमिली क्या होगा कि एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी अ रिलीवेंट फैक्ट। तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये जो विल है ये ए की है या नहीं है। तो वो फैक्ट के वो विल प्रिपेयर करते वक्त ए की प्रॉपर्टी और ए की फैमिली कैसी थी ये फैक्ट रिलीवेंट होगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट इन इशू। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ए ने विल में अगर बताया है कि मेरी 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है ये मैं इस इसके पर्सन के नाम कर रहा हूं तो देखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जिस दिन विल बनी उस दिन 10 एकड़ प्रॉपर्टी थी या नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रही है। तो वो द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी बिकम्स रिलीवेंट। और फैमिली मेंबर में फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर के मैं ए को देना चाहता हूं ये बी को देना चाहता हूं तो फैमिली मेंबर उसके फैमिली में वो मेंबर है क्या उस टाइम पे वो भी देखा जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए उसकी फैमिली मेंबर और उसकी प्रॉपर्टी दोनों रिलीवेंट होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो विल ए की है या नहीं है। नाउ डेविड फाइल सूट अगेंस्ट जॉन। तो डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और वो किस लिए किया, इंड्यूसिंग अ रॉबर्ट को इंड्यूस करने के लिए टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सो डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और डेविड का कहना यह था कि जॉन ने रॉबर्ट को बहलाया फुसलाया किस लिए कि वो डेविड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था रॉबर्ट ने वो तोड़ दे। अब क्या हुआ, रॉबर्ट ऑन लीविंग डेविड सर्विस। अब जब रॉबर्ट डेविड की सर्विस छोड़ रहा था डेविड का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा था रॉबर्ट, तो रॉबर्ट कहता है कि आई एम लीविंग यू बिकॉज जॉन हैज मेड मी अ बेटर ऑफर। तो रॉबर्ट ने कहा डेविड से कि मैं आपका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि जॉन ने आपसे अच्छा ऑफर मुझे दिया है। सो ये क्या हुआ कि जो डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया काय के लिए कि उसने रॉबर्ट को बहलाया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, ये फैक्ट प्रूव करने के लिए रॉबर्ट का स्टेटमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है जॉन के बिहेवियर को। तो वो रॉबर्ट कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि जॉन ने मुझे बेटर ऑफर दिया, तो ये बेटर ऑफर रॉबर्ट को
इंड्यूस करने के लिए जॉन ने दिया था, तो यहाँ पर डेविड के और जॉन के कीज केस में ये जो स्टेटमेंट है ये रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है रॉबर्ट के नेचर को. सो दिस स्टेटमेंट इज अ रिलीवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ रॉबर्ट्स कंडक्ट विच इज रिलीवेंट एज अ फैक्ट इन इशू, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा. नाउ विच सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और अ रिलीवेंट फैक्ट. सो ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को रिबर्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बोथ बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9. सो द फैक्ट विच सपोर्ट और रिबर्ट, फैक्ट विच प्रूव द फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्शन 9 में रिलीवेंट हो गए. और ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को डिसप्रूव कर रहे हैं, रिबर्ट कर रहे हैं, दोज फैक्ट्स आर ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9. देन विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलीवेंट. तो ऐसे फैक्ट जो किसी आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग, किसी चीज की आइडेंटिटी बता रहे हैं वो रिलीवेंट हो गए, या किसी पर्सन की आइडेंटिटी है दैट इज ऑल्सो अ रिलीवेंट. फॉर एग्जाम्पल, या किसी प्रॉपर्टी की चोरी हो गई और ऐसा फैक्ट जो वो प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी को, दैट फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट. और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, कि बहुत सी बार क्या होता है कि किसी पर्सन ने ऑफेंस करते हुए किसी पर्सन को देखा, उसका हुलिया उसे पता है लेकिन उसका नाम पता नहीं है, लेकिन उसके सामने अगर उस पर्सन को लेकर आ गए तो वो पर्सन को पहचान सकता है, तो उस सिचुएशन में वो आइडेंटिफिकेशन जो है पर्सन को जो पहचान रहा है, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9, आइडेंटिफिकेशन परेड. सो बिरय सिंह वर्सेज स्टेट, दैट इज द केस. The following points to be taken into consideration to decide the test of identification parade. So identification parade is mentioned under section 9. The accused is not known to the witness or victim before the occurrence of crime. जब भी identification parade करना है court को, तो court को कुछ fact consider करना पड़ेगा. वो ये कि the accused is not known to the witness. वो witness accused को नहीं पहचानता है और उसने इसके पहले कभी उसको नहीं देखा है. Second one is, when the witnesses gave vivid description of the accused in their statement or in the FIR. कब identification parade होगा? जब अगर witness ने FIR में उस person का हुलिया बताया हुआ है कि वो person ऐसा ऐसा दिखता है, like that, तभी identification parade होगा. Third one is, when the witness says in the examination by the investigating officer that they would be able to recognize some of the criminals. अगर वो पुलिस ने स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया, वो उस स्टेटमेंट में अगर विटनेस ये कहता है कि मैं उस क्रिमिनल्स को पहचान सकता हूँ, तब आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट. फोर्थ वन इज, व्हेन द अक्यूज्ड वाज सीन फॉर अ सफिशिएंट टाइम बाय द विटनेस एंड पिक्ड अप हिज डिस्टिंक्टिव फीचर इन ऑर्डर टू रिकलेक्ट लेटर ऑन. अब ये विटनेस ने उस अक्यूज्ड को, उस क्रिमिनल को एक कंसिडरेबल टाइम के लिए देखा है, तब आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट. देन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस लाइक कंडीशन ऑफ लाइट वेयर सफिशियंटली फेवरेबल शोइंग फीचर्स ऑफ अक्यूज्ड. अब जब अक्यूज्ड के फीचर्स को बताने के लिए जो सराउंडिंग था वहां पर कंसिडरेबल लाइट था, सफिशियंट लाइट था कि जिसके जरिए विटनेस ने उसका चेहरा देखा हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट. लास्ट वन इज, व्हेन देयर वेयर पिक्यूलर फीचर विथ रिस्पेक्ट ऑफ अक्यूज्ड एंड मेंशन वाज मेड इन द एफआईआर और स्टेटमेंट. और एफआईआर में उस अक्यूज्ड से रिलेटेड बहुत चीज़ें बताई हुई है, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट, उसका बिल्ट, उसका चेहरा, वट एवर इट मे बी, अगर ये सब चीज़ें बताई हुई है तब जाके आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट इज, फिक्स द टाइम और प्लेस. Any fact which fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happen. ऐसा time या place, ऐसा fact जो fix कर रहा है किसी time को या place को, कहाँ पर offense हुआ, किस time offense हुआ, fact in issue को, fact in issue का time बता रहा है या fact in issue की place बता रहा है, तो वो relevant हो जाएगा section 9 के हिसाब से. अब यहाँ पर देखिए time और place. Suppose अगर कोई पर्सन कह रहा है कि 11:30 AM 8:30 PM के 11:30 सुबह ऑफेंस हुआ, 8:30 ऑफेंस हुआ, ये फिक्स कर रहा है टाइम को, दैट बिकम्स रिलीवेंट. फिक्स द प्लेस, कि ये मुंबई में ऑफेंस हुआ,
रिलीवेंट है, हैदराबाद में ऑफेंस हुआ रिलीवेंट है, तो ये रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 में. देन विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड आर रिलीवेंट, के रिलेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज के रिलेशन को बताता है कि किसने ऑफेंस किया है और इसका इस पार्टी के साथ रिलेशन क्या था, कि मोटिव इस्टेब्लिश करने के लिए कि विक्टिम का और अक्यूज का रिलेशन क्या था. अगर ये फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहा है दैट फैक्ट ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9. सो सेक्शन 9 पे पूछा गया क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में और मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 11 और सेक्शन 9. द आइडेंटिफिकेशन परेड हमने अगर देखे तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया वाला है कि जो रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है कि विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन, कि ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है दैट फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट. सो द आइडेंटिफिकेशन परेड इज मैंशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है. करेक्ट आंसर इज दैट. Probable question, section 9 of Indian Evidence Act 1872 deals with fact forming part of same transaction, fact which are the occasion, cause or effect of a fact in issue, motive, preparation and previous or subsequent conduct or fact necessary to explain or introduce relevant fact. So section 9 ka jo title hai wohi batata hai ki facts necessary to explain or introduce relevant fact is mentioned under section 9 of Indian Evidence Act. So this is the particular provision of section 9 which we have discussed. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.